हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। निजामुद्दीन मरकज के मौलाना साथ के शामली के फार्म हाउस पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम रेड करने के लिए पहुंची है। मौलाना साथ का ये फार्म हाउस कांधला में है। थोड़ी देर में शुरू होगी ये रेड की पूरी कार्रवाई। अपनी सुरक्षा के लिए पीपीई किट में क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है। वरुण जैन हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। वरुण, क्या अपडेट है इस खबर पर? देखिए बिल्कुल, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम मौलाना साद के शामली डिस्ट्रिक्ट के जो कांधला का फार्म हाउस है वहाँ पहुंची है, पीपीई किट पहनकर पहुंची है। ये इस फार्म हाउस में जो सबसे ज्यादा मूवमेंट है मौलाना साद की वो रहती थी, काफी आना जाना रहता था इस फार्म हाउस पर। तो कह सकते हैं निजामुद्दीन के बाद अब एक बड़ी कार्रवाई, एक बड़ी रेड जो है क्राइम ब्रांच की अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर छापेमारी की है। कुछ जो क्या डॉक्यूमेंट मिल सकते हैं ये अभी तो रेड के बाद ही साफ हो पाएगा। इससे पहले मौलाना साद को कई नोटिस दिए जा चुके हैं, उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहा था, क्राइम ब्रांच की तरफ से कोविड टेस्ट कराने के लिए कहा था, लेकिन मौलाना ने जो कोविड टेस्ट है वो अपना कराने से इनकार कर दिया था। 14 दिन भी क्वारंटाइन के बीत गए हैं, तो पुलिस ने कहीं ना कहीं अपना जो शिकंजा है, अपनी इन्वेस्टिगेशन है वो अब आगे बढ़ानी शुरू कर दिया। और उसी कड़ी में जो साथ का जो फार्म हाउस है यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है और अभी कुछ ही देर में जो रेड है वो शुरू होगी। ये भी कहा जा रहा है कि जो मौलाना साद से जो जुड़े अहम लोग जो है, जो कि उनके बहुत ज्यादा संपर्क में रखे थे, जो कॉल डिटेल्स में भी नजर आ रहा था कि लगातार टच में है, वो लोग भी वहां पर मौजूद हो सकते हैं, मौजूद हो तो उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। कहीं ना कहीं अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्राइम ब्रांच ने काफी तेज कर दिया इस पूरे मामले में। जी वरुण जैन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि उनसे जुड़े हुए लोग इस फार्म हाउस में हो सकते हैं, ऐसा पुलिस का मानना है। ये तस्वीरें पहले मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ। निजामुद्दीन मरकज के मौलाना साद का फार्म हाउस है ये, जहां पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है रेड करने के लिए और पुलिस को जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से मौलाना साद के संपर्क में रहने वाले बहुत सारे लोग इसमें मौजूद हो सकते हैं। उनसे पूछताछ की जाएगी ताकि जांच आगे बढ़ सके, क्योंकि मौलाना साद पर यह आरोप है कि वो जानकारी छुपा रहे हैं। ईडी में भी उनके खिलाफ मुकदमा है कि वो जो पैसा मरकज में आता था वो बाहर के देशों से आता था। वरुण जैन हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। वरुण जैन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मौलाना साद से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इस फार्म हाउस पे हो सकते हैं, क्या मौलाना साद भी हो सकते हैं इस फार्म हाउस पे? इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस क्या कह रही है, क्या कहना है पुलिस अधिकारियों का? देखिए बिल्कुल, सूत्रों का कहना है कि जो मौलाना साद है उस अब तक की इन्वेस्टिगेशन में ये बात जरूर सामने रही है कि मौलाना साद दिल्ली के अंदर ही मौजूद है, लेकिन मौलाना साद से जो जुड़े लोग हैं उनकी प्रेजेंस वहां पर हो सकती है, क्योंकि जो ये फार्म हाउस है ये मौलाना साद का ठिकाना था, वो अक्सर यहाँ पर आया जाया करता था, जमात के जो जुड़े लोग थे वो भी वहां पर होते थे। सबसे अहम बात और कि अब तक की क्राइम ब्रांच में वो बैंक की डिटेल्स भी सामने आई थी, जब जिसमें ये बात सामने आई थी कि एक बड़ा अमाउंट था इस जमात के कार्यक्रम से पहले वो उस अकाउंट पे जमा किया गया था। उससे जुड़ी इन्वेस्टिगेशन भी जो सूत्र है वो बताते हैं कि ये आगे बढ़ाइए कि उस पैसे का कहाँ इस्तेमाल हुआ था, ये जो फार्म हाउस है ये कब लिया गया था। कुल मिलाकर वरुण जैन, जांच को आगे बढ़ाने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम शामली पहुंची है ताकि कुछ सुराग मिल सके और जांच आगे बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण आपका इस पूरी जानकारी के लिए।